इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने तप प्रारंभ किया, इधर शिव बाबा आनंद में। एक दो दिन नहीं हो बीते, संबत सहस सतासी हजार वर्ष शिवजी समाधि में रहे। नेत्र खुला, माता जी पहुंची, पिताजी की यज्ञ में जाने का आग्रह किया, बाबा ने भेजा, वहां गई और बड़ा त्रास परिवार से मिला तो माता योगाग्नि में प्रवेश कर गई। ध्यान रखिएगा, सावधानी है। मानस की सती माता को यज्ञ कुंड में कूदते नहीं लिखा गया है। अभी कोई कथा में कह रहा था कि सती माता यज्ञ कुंड में कूद गई, नहीं। असकहि जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकार। माने प्राण वायु को खींच कर अंगुष्ठ तक उपस्थित किया और उनके तेज से ऐसी अग्नि प्रज्वलित भई कि पूरा बदन धू धू करके जल गया। असकहि जोग अग्नि तनु जारा, एक गण शिवजी के पास गया, कोप करके वीरभद्र को भेजे, यज्ञ विध्वंस हुआ, सबको समुचित दंड प्राप्त हुआ। जाते जाते सती अम्बा ने एक अलौकिक व्यवहार कर डाला। सती मरत हरि सन वर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद तेही कारण रहे हिम गिर गृह जाई माँ जन्मी पार बते। हिमांचल राज्य की पुत्री पार्वती जी के रूप में माँ का जन्म हुआ। हिमांचल देवियों का प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश शक्तियों का प्रदेश है। साधक गण आज भी हिमाचल में जहां तहां पहाड़ियों के बीच में बैठकर भगवान भगवती का स्मरण करते रहे। हमारे नाथ संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर भाई जी हिमाचल में, हम लोग ज्वाला देवी गए थे ना, अरे उसके ऊपर नाथ संप्रदाय के लोग त्रिशूल दाड़े हर नहीं गए ना, 10 साल वनवास में रहे तो कैसे जाएंगे, तो उसी में हम लोग गए थे, फिर चलेंगे। अद्भुत देश है हिमाचल। हो आप प्रवेश करेंगे, लिखा देवियों के प्रदेश हिमाचल में आपका स्वागत है। अद्भुत है वहां, लोगों में ममता बहुत है, आनंद आता है। हा हा हा, मेरी माँ आई मैना माँ के अंग से, नारद जी ने नामकरण किया उमा अंबिका भवानी। माता पिता को यश की प्राप्ति होगी, इनका सिंदूर सदा अचल है। आप लोग धन्य हैं, आपकी पुत्री भाई ये तो जगदम्बा है। हा हा हा, क्या कहना, जय हो जय हो। नारद जी ने कहा दो चार अवगुण है कहिए तो भी सुना दूं। सुनाइए महाराज, ज्योतिष का नियम है। अच्छा अच्छा, पहले थोड़ा गड़बड़ वाला, बाद में नारद जी बताने लगे। अगुनय मान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल काम मन नगन मंगल अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त यसी। अगुन गुण रहित
अमान मान रहित, माता पिता रहित, माता पिता नहीं होंगे, जगत के सुख से उदासीन रहेंगे, उदासीन संशय से मुक्त रहेंगे, संशय छीना जोग में लगे रहेंगे, जुड़े होंगे कहाँ अत तत्व से, जटाधारी होंगे, अकाम मन सुख से कोई अर्थ नहीं, कोई लिप्सा नहीं, कोई ममत्व नहीं, प्रेम नहीं, अकाम मन नगन कपड़े नहीं पहनेंगे, कभी पहन लिए तो अमंगल वेश, ऐसा स्वामी इनको मिलेंगे। अरे परिहस्ती असी, ऐसा बाबा नारद जी ने कहा। अब सोचिए माँ पर क्या गुजरेगी। मैना जी ने कहा ऐसे पति से कदाप ब्याह नहीं करें, लोग कहेंगे जड़ है, जड़ का काम किया। हिमांचल ने पूछा नारद जी से, महाराज कोई उपाय है? नारद जी बोले ना। कह मुनीस हिमंतु सुनो, जो विधि लिखा दिला देव तनुज नर नाग मुनि को उन में। हे राजन, जो मेरे बाप जी ने लिख दिया है लीलार में, इसको कोई मिटाने वाला नहीं। हाँ एक उपाय है, मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं वो सब शंकर जी में है। मेरे अनुमान से यदि विवाह शंकर जी से हो जाए तो लोग दोष को भी गुण कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि शिव जी सामर्थ्यवान हैं। एक सैद्धांतिक चौपाई है सुनिए, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरीकीना। सामर्थ्यवान में कोई दोष नहीं देखता है। रुपया का तीन नाव, परसा परसु परस राम। डॉक्टर साहब गांव में जो वर्मा जी हैं, पहले वो कर्मचारी थे, काम करते थे, आजकल उनके कई भट्ठे चल रहे हैं। विधायकों हैं ना वो, विधायक जी हैं। उनकी माई पहले मांग के लाती थी, अब लोग उनके घर से मांग के ले जाते हैं। अब उनको लोग बाबू कहते हैं, पहले रे बतरे कहते थे। क्यों? संसार का नियम ऐसा है। रुपया के तीन नाम, परसा परसु परसराम। संसार सामान को पूजता है, व्यक्ति को नहीं पूजता। संसार सामर्थ्य को पूजता है। क्या कहते हैं नारद जी? समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की ना। गंगा जी में चाहे जो बह जाए, गंगा जल परम पावन है। अग्नि नारायण चाहे जो खिला दो, पवित्र हैं। सूर्य भगवान सब प्रकार के रस का शोषण करते हैं, लेकिन जय जय कौन निंदा करता है, सब लोग प्रणाम करते हैं। विवस्वानो नमस्तुभ्यम भास्करम प्रतिदिनम प्रतिदिनम प्रतिक्षणम हे सूर्य सहस्रांस्तो तेजो राशि जगतपते। सब वंदन करते हैं हो, और जगत आप देख ही रहे हैं। जिनका नाम सुन के क्रंदन होता था, आज उनके नाम से वंदन हो रहा है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। अब जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषों गुड़सम कह सब कोई उपाय करी। उपाय क्या है? संभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। नारद जी बताए, आपको बिटिया में प्रेम है तो कहिए तप करे। भाभी को केवल शिवजी मिटा सकते हैं। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयउ, आगिल कथा सुनहु जस भयो। क्या
क्या भैया? माता पहुंची पार्वती मैया के पास। पार्वती जी से मैना जी कुछ कहें इसके पहले श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी का स्वप्न पार्वती मैया ने खुद सुना दिया। यह एक बड़ा सरल सिद्धांत है। संतान पास में हो तो उसको बस में मानना चाहिए और दूर हो जाए तो अपने को बेबस जानना चाहिए। यह सिद्धांत है। जो दूर होगा वो दूर चला जाएगा, जो पास होगा वही पास रहेगा। बहुत दूर, दूर गया सो दूर गया। माँ ने समझाया और जाकर उर्धर्य माँ प्राण पति अति सुकुमार नतन तप जो पति पद सुमिरित तेउ सब हो कछु दिन भोजन बार बतासा परिहरे सुखानि उपरना मई नाम तब भयउ बपरना पुनि परिहरे सुखानि उपरना मई नाम तब भयउ बपरना। कुछ दिन जल कुछ दिन वाय वारि बतासा हवा, कुछ दिन कठिन उपवास। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।